अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। आज हम बनाएंगे छुंदा, कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार। ये आपको हर गुजराती हाउसहोल्ड में मिलेगा। इस अचार के लिए आपको कच्चे आम काफ़ी खट्टे चाहिए होंगे, तो राजापुरी नाम की एक ब्रीड आती है कच्चे आमों की, इसके लिए वो यूज़ होती है। ये देखिए एकदम कड़क होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं और काफ़ी सख्त होते हैं। बिकॉज इतने सख्त है तो छिलका निकालना भी मुश्किल है। आप एक तेज़ धार वाला नाइफ लीजिए और धीरे धीरे छिलका निकालिए, क्योंकि ये आम इतने सख्त होते हैं तो काफ़ी वेंडर्स छिलका निकाल के कद्दूकस करके देते हैं या फिर कैरी के टुकड़े भी करके देते हैं। बट आई प्रेफर डूइंग इट एट होम बिकॉज ऑफ हाइजीन रीजंस। कद्दूकस करने के लिए मैंने मीडियम साइज़ का ग्रेटर लिया है। मुझे इसके जो रेशे हैं वो ना ज़्यादा मोटे चाहिए ना एकदम बारीक। ये अचार गैस पे भी बनता है 3 से 4 घंटों में, बट उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। मैं जो आपको तरीका दिखाऊंगा उसमें 5 से 7 दिन लगेंगे, बट वो कम से कम 1 से 1.5 साल चलेगा। 1 किलो कद्दूकस की हुई राजापुरी कैरी को लिया हमने, उसमें 1 टीस्पून हल्दी डाली और 2 से 2.5 टेबल स्पून हमने नमक डाला। इंग्रेडिएंट्स में मैं हल्दी मेंशन करना भूल गया था। इसे ठीक से मिक्स करके ओवरनाइट एक स्टील के वेसल में रख दीजिए। अगले दिन आप देखेंगे थोड़ा सा पानी छूटा है, उसे फिर से मिक्स करिए। ध्यान रखना कभी भी नींबू या कैरी का अचार जो खट्टा होता है एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं बनाना, नहीं तो वो मेटल के साथ रिएक्ट होकर कड़वा बन जाएगा। आप देख रहे होंगे इसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है, एक दूसरे से चिपक गए हैं। ये हमारा डे 2 है। अब हम डालेंगे इसमें हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है शक्कर। शक्कर हमने 1.25 किलो डाली है। आपको अगर इसका रस्सा ज़्यादा चाहिए तो आप 1.5 किलो शक्कर भी डाल सकते हैं। साथ ही में हम 1 ग्लास पानी डाल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेहुल पागल हो गया है, शेल्फ लाइफ 1 साल बता के अचार में पानी डाल रहा है, लेकिन दिस इज़ फॉर अ रीज़न। हमने शक्कर डाली है और अब हम इसको 5 से 7 दिन ऊपर धूप में सुखाने वाले हैं। तो अगर सिर्फ शक्कर डाल के हम सुखाएंगे तो शक्कर के क्रिस्टल्स हो जाएंगे। पानी डाल के ये शक्कर के क्रिस्टल्स नहीं होंगे, वो जो कंसिस्टेंसी होगी वो लिक्विडी होगी और अपने आप वो पानी इवेपरेट हो जाएगा। 4th दिन है। अब आपको ढक्कन निकालना है और ऊपर मलमल का कपड़ा बांधना है, रबर बैंड से टाइट करिए और इसे धूप में सुखाने रख दीजिए। ये प्रोसेस आपको 4 से 5 दिन करना होगा। हम मलमल इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो पानी है, मॉइस्चर है, वो इवेपरेट हो पाए। अगर हम उस पर ढक्कन रखते हैं या कांच के बॉटल में रखते हैं तो जो उसका मॉइस्चर है वो इवेपरेट होकर ढक्कन पे चिपक जाता और फिर से अचार में मिक्स हो जाता। और मलमल इतना पतला होता है कि सनलाइट अचार को टच भी कर सकती है, इट कैन गो थ्रू द मलमल का कपड़ा। मैंने धूप में इसे 4 दिन सुखाया, यानी ये 7th दिन है मेरे अचार का। और देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, सारा मॉइस्चर निकल गया है। अब हम इसमें डालेंगे इसका लास्ट इंग्रेडिएंट, वो है कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने तीखी वाली नहीं ली है, मैंने कश्मीरी मिर्च ली है जिससे कलर ज़्यादा अच्छा आएगा और हल्का तीखापन भी होगा। इसे मैंने मिक्स करके ओवरनाइट अभी घर पे ही रखा है ढक्कन लगा के। कश्मीरी मिर्च 2 टेबलस्पून ली है। अगर आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो आप 1 टेबलस्पून नॉर्मल वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। इस स्टेज के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी वाला चमचा या मॉइस्ट हैंड्स इस अचार से दूर रखना है, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। देखिए आपका छुंदा रेडी है। कलर कितना बढ़िया आया है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम जस्ट परफेक्ट। ये आपका छुंदा साल भर टिक जाएगा। इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप कांच के बॉटल में बाहर रख सकते हैं। थेपला बनाइए, छुंदे के साथ खाइए। एंजॉय।